हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैजिकल एजुकेशन। मैजिकल एजुकेशन पे अब आपको जेई के लिए भी रेगुलर कंटेंट मिलने वाले हैं। हम बहुत जल्द ही आपके सामने एक शेड्यूल लेके आएंगे जहां पे आपको ये पता चलेगा दैट कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बेसिकली मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, आप ध्यान देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ दैट आई एम गोइंग टू टीच अ स्पेशल सब्जेक्ट नोन मैथ्स। आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स के बारे में सबको पता होता है, छोटी सी बात है। तो मैथ्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं दैट हम अब रेगुलर कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। जेई मेंस, जेई एडवांस, इन दोनों के लिए रेगुलर कंटेंट यहाँ डिस्कस होगा। तो आप माइंड कर लेंगे इस बात को, जेई का फुल कंटेंट आपको मिलने वाला है और वो भी एक पैटर्न पे मिलेगा, एक रेगुलर पैटर्न पे और ऑन रेगुलर बेसिस भी मिलेगा। क्लियर है? तो तैयार रहेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा दैट मैं किस तरीके से ये मॉड्यूल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसे कवर करेंगे और इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी आप हमारे बेसिकली चैनल से बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो 12 बोर्ड्स होगा, जेई मेंस होगा और जेई एडवांस होगा। 12 बोर्ड्स में जो मेरा मेन मोटो रहता है, मैंने पहले भी बहुत लोगों को गाइड किया हुआ है, आप लोगों के लिए मैं पहली बार दिख रहा हूँ, बट यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे पहले से पहचानते होंगे। मैं अपनी इंट्रोडक्शन भी दे दूँ, माय नेम इज़ नीतीश भारद्वाज, NB आप लिख सकते हो, नीतीश भारद्वाज। मैंने पहले भी बहुत लोगों को गाइड किया हुआ है जेई के लिए, आई एम बेसिकली या जेई मेंटोर, जो कि अब आप लोगों को भी रेगुलर बेसिस पे गाइड करने वाला हूँ। तो मेरे जो वीडियोस आते हैं उनमें 12 बोर्ड्स का जो पोर्शन होता है उसमें सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, 95 प्लस का टारगेट हमारा होता है। मतलब ये है दैट अगर आपने 12 बोर्ड का टारगेट लिया हुआ है तो बोर्ड का कंटेंट मैं आपको ऐसा दूंगा सो दैट आप मैथ्स में इजीली 95 तक अचीव कर सको आउट ऑफ 100। क्लियर है? फिर अगर बात करें जेई मेंस की, तो जेई मेंस में जो मेरा मेन मोटो होता है वो 100 प्लस होता है आउट ऑफ 120। और जेई एडवांस की बात करें तो 70% प्लस का मैं टारगेट लेके चलता हूँ। ये मेरे कोई भी वीडियोस आप देखेंगे तो मैं पहले टारगेट पे एक बात करता हूँ, क्योंकि टारगेट जो है, अगर आपने एक फिक्स्ड गोल नहीं सेट किया तब तक आप फुल पूरी मोटिवेशन के साथ अपना काम नहीं कर सकते। और हिंदी में आप लोगों ने सुना ही होगा, लक्ष्य विहीन मानव पशु के समान होता है। तो पहले ही हम क्यों ना अपना मोटो एक फिक्स कर लें और उसी पे हम काम करना स्टार्ट करें। तो ये तो बात थी, क्योंकि आपको पहले मेरे बारे में पता होना चाहिए, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है ये पता होना चाहिए, देन धीरे धीरे आप मेरे साथ एडजस्ट करते जाओगे और हम अपने कंटेंट को और बेटर करते जाएंगे। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। तो आप जानते हो दैट मैजिकल एजुकेशन के हमारे जो कुमार केतन सर हैं उनको आप अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, या फिर आप वेबसाइट पे भी गूगल पे जाओ, डायरेक्ट सर्च कर लो कुमार केतन अनअकैडमी, तो आपको सबसे पहले सर की प्रोफाइल ही आएगी और यहाँ से सर के बनाए हुए 37 प्लस इम्पॉर्टेंट कोर्सेस जो जेई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सर ने इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज बनाए हुए हैं, फुल कोर्सेज बनाए हुए हैं, जेई मेंस, नीट स्पेशल, जेई एडवांस स्पेशल, हर तरीके के कोर्सेज हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। इनके साथ साथ आप नीतीश भारद्वाज अनअकैडमी भी सर्च करोगे तो मैं भी मिल जाऊंगा। बेसिकली वी बोथ आर इन टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी, तो अनअकैडमी पे भी जाके आप हमारे थ्रू बनाए गए फुल कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और लोगों के रिस्पॉन्सेस भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। क्लियर है? तो ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जहाँ से आप फ्री में इतने अच्छे कंटेंट को ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट कंटेंट की। तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिटरमिनेंट। बेसिकली मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, सबसे पहले जो ईजीएस्ट टॉपिक है, ईजी टू स्कोर टॉपिक जो है, उन पे मेरा मेन फोकस होगा, क्योंकि टफ चीज़ों को करने पे एश्योरिटी ये नहीं रहती दैट उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट अगर हमने ईजी टॉपिक्स किए हैं जिनसे क्वेश्चंस भी ईजी आने के चांसेस रहते हैं तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है। तो क्यों ना हम पहले ईजी पोर्शन को ही कर ले, देन टफेस्ट पार्ट के ऊपर बढ़ें। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस, ये दोनों टॉपिक जो हैं ये ईजीएस्ट टॉपिक में से एक हैं। तो पहले डिटरमिनेंट को हम कवर करेंगे, तो इसके कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा डिफिनीशन पढ़ना, लाइक डिटरमिनेंट को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर माइनर और को फैक्टर की बात करेंगे। ये माइनर और को फैक्टर बहुत परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं, छोटी सी चीज़ें होती हैं बट बार बार लोग भूल जाते हैं।
बट जब हम रेगुलर वे में पढ़ेंगे इसे, एकदम छोटे छोटे पार्ट को मैं तोड़ के आपको समझाऊंगा, तो फिर इस पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी. क्लियर? सेकेंड पोर्शन जो है हमारा वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें याद होना चाहिए. लाइक डिटर्मिनेंट अगर किसी ने पढ़ा हुआ होगा पहले तो आपको पता होगा किसी डिटर्मिनेंट के दो रो अगर सेम हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है. तो ये प्रॉपर्टी आखिर आई कैसे और इसे याद कैसे करना है, इसकी मीनिंग समझ आनी चाहिए. एक और छोटी सी प्रॉपर्टी अगर मैं डिस्कस करूँ तो दो रो तो जीरो हो कराते ही हैं, दो कॉलम भी अगर सेम हो गए, कॉलम इसे बोलते हैं, सेम हो गए तो हमारा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा. रो किसे बोलते हैं? इसे हम रो बोलते हैं. तो इसका भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी. फिर सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट है जो पूरे चैप्टर के स्टार्ट से लेके एंड तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, तो उन डिटर्मिनेंट को हम देखेंगे और उन्हें याद कर लेंगे ताकि जेई मेंस के लिए हम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें सो दैट हमारा एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो सके. क्लियर है? क्योंकि जेई मेन में हमारे पास मात्र 2 मिनट होते हैं पर क्वेश्चन, तो इसके लिए हमें अपने आप को इस तरीके से तैयार रखना होता है दैट हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लें साथ ही साथ हमारा टाइम बच सके. और टाइम बचाने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम हमारे टिप पे होना चाहिए, जिस पे मेरा फोकस बहुत ज़्यादा होगा. क्योंकि इस बार भी बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज ये आया हुआ था दैट जेई मेंस में हमारे पास टाइम कम होने के कारण हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो मेरा इस पे भी फोकस होगा दैट मैं अभी से आप लोगों को उस काबिल बना सकूं ताकि आप कम टाइम के अंदर अपने क्वेश्चंस को कवर कर सको. क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट का क्या यूज है इसे भी देखेंगे. हमने बचपन से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने दैट x1, y1, x2, y2, x3, y3 अगर ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं तो इसका एरिया हम डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं. हमें पता है, अभी मैं प्रॉपर डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम इस पोर्शन को यहाँ कवर करने वाले हैं. फिर अगर मैं बात करूँ, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ था, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा की वैल्यू जीरो होती है और डेल्टा डिटर्मिनेंट में निकलता था हमारे सामने ABC, FF, GG, HH. इसे भी हम पढ़ेंगे. तो ये सारे किस पोर्शन के अंदर आते हैं? यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. फिर आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट के ऊपर. तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट आपका एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. होता क्या है, जनरली जब आप पढ़ते हो तो टीचर्स आपको दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके एक डिटर्मिनेंट बनाना सिखाते हैं, बट जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं दैट एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में कैसे तोड़ सकते हैं. मतलब नीचे का आपका डिटर्मिनेंट गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन से दो डिटर्मिनेंट से मिलके बना है. तो मैं इस बात पे फोकस नहीं करता दैट कौन सी चीज़ें आपके बुक में बेसिक्स दी हुई हैं. बेसिक्स के साथ साथ आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का नज़रिया क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. क्लियर है? अगले पार्ट पे बढ़ते हैं. प्रोडक्ट वाला पोर्शन हो गया. डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट को हम डिस्कस करेंगे. लाइक अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो 3 पोर्शन में ये डिफरेंशिएशन आपका होगा. पहला फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, दूसरा सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, ऐसे करके. अभी ही पढ़ लेंगे तो फिर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस कारण से मैं आपको अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूं. फिर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की. ये आपका, इसी को बोलते हैं क्रैमर्स रूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस खूब सारे पूछे जाते हैं. इसमें भी आपके लेयर्स होंगे. लाइक पहले 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, देन आपका 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये पहले हम पढ़ेंगे. फिर आपका एक लेवल और अपग्रेड करके हम क्या करेंगे, तब पढ़ेंगे हम 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल. ओके? और 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के अंदर एक और केस आपका बनता है होमोजीनियस इक्वेशंस का. बचपन में क्या हुआ था, जब मैं 9th क्लास के अंदर था, बेसिकली मैं 9th क्लास में जब पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, 2x + 3y - z = 0. ये एक इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन x + 3y - 8z = 0. थर्ड इक्वेशन 3x + 4y - 7z = 0. उन्होंने बोला दैट आपके पास 3 इक्वेशन हैं, इन तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो. अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो इस क्वेश्चन को एक 9th का बच्चा करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगा देगा आसानी से. क्लियर है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है ये पोर्शन. तो उस टाइम पे सर एक्चुअली मेरे साथ प्रैंक खेल रहे थे. फिर उन्होंने उसी टाइम पे मुझे बताया था दैट ये जो डिटर्मिनेंट से हम करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, और इसी को बोलते हैं क्रैमर्स रूल.
इसे हम मैट्रिसेस में भी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो जब मैं आपको क्रैमर्स रूल बताऊंगा तो साथ ही साथ मैं एक बार मैट्रिक्स मेथड को भी ओवरव्यू दिखा दूंगा, ताकि मैट्रिक्स में जब हम पढ़ें तो आपको पहले से आइडिया हो दैट हमारा चैप्टर किस तरीके से कवर होने वाला है। क्लियर है? यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास जो कंटेंट है बेसिकली जेई के कंटेंट, वो इतने ही हैं। जेई मेंस, जेई एडवांस और ट्वेल्थ, ये तीनों पोर्शन यहाँ कवर हो जाता है। क्लियर? फिर जो मेरा काम होगा वो ये होगा, मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊं जो कि जेई में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ये मैं कैसे कराऊंगा? अब ऐसा तो है नहीं दैट मैं पेपर सेट कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूंगा, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो हम देखेंगे दैट पेपर में ट्रेंड क्या होता है क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चंस होती हैं जो डेटा चेंज करके ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उसी ट्रेंड पे रेगुलर इंटरवल पे आते रहते हैं। तो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर आपको चाहिए होगा तो जहां मैं पीडीएफ आपको शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, वहां मैं मेंस टेस्ट और एडवांस टेस्ट इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद डालूंगा, और वहां से आपको फर्दर फ़ायदा हो पाएगा। और आंसर एंड हिंट ऑफ टेस्ट के लिए भी आपको एक वीडियो इंक्लूड करके मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से कवर किया जाएगा चैप्टर को। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है दैट क्या आपको ये तरीका अच्छा लगा इस चैप्टर को कवर करने का। अगर फर्दर आपको और कुछ आइडियाज़ हैं तो आप मुझे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मोटो ये नहीं है दैट मैं अपने आप को महान समझूं और मैं जब बस पढ़ाए जा रहा हूँ, आपको समझ भी आना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग चीज़ें आनी चाहिए। तो आप अपने सजेशंस फ्रीली क्या कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो बढ़ते हम अपने अगले पार्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेफिनेशन, हम करेंगे कैसे आखिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व। तो 2 × 2 डिटर्मिनेंट को पहले मैंने सॉल्व करके बता दिया है। कैसे, आप देखेंगे पहला एलिमेंट है ए, बी, सी और डी, ये तो पूरी तरीके से ढक ही गया। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो फर्स्ट इंटू दिस ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो ए डी माइनस बी सी हमारा 2 × 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है। बट ये भी बात है, ए बी सी डी जो एलिमेंट है क्या ये रियल होंगे या कम्प्लेक्स होंगे? तो अगर डायरेक्ट मैं बोलूँ तो ए बी सी डी रियल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो 2 × 2 डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं अब आपको क्लियर हो चुका होगा। 3 × 3 डिटर्मिनेंट को भी सबको खोलने आता है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं। रो अकॉर्डिंग, ये रो है ये कॉलम है, तो रो के अकॉर्डिंग भी आप खोल सकते हो, कॉलम के अकॉर्डिंग भी आप ओपन कर सकते हो। तो A1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ओपन किया है, तो ये A1 हो गया। फिर सेकेंड जो ये वाला हमारा फर्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, सेकेंड A2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये हो गया, और A3 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये हो गया। क्लियर है? अब देखेंगे आप फर्स्ट में बीच में साइन आ रहा है प्लस का या माइनस का, तो आप बात करेंगे माइनस का आ रहा है, प्लस का बिल्कुल नहीं आ रहा। सेकेंड में आपका साइन प्लस आ रहा है, तो ये हम कैसे निकालते हैं, तो इसे हम निकालते हैं कोफैक्टर से। तो अभी बस हम फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, और जब कोफैक्टर निकालेंगे तब आपको समझ आएगा दैट साइन आखिर आता कैसे है। क्लियर? तो आप देख लो, पहले मैंने A1 को पकड़ लिया, A1 के नीचे का कैंसिल, साइड का कैंसिल, बचे क्या, B2, B3, C2, C3। तो यहां आप देखेंगे B2, B3 और C2, C3 आपका आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट पे A2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां मैंने A2 लिख दिया, A2 के साइड का कैंसिल, नीचे का कैंसिल। आपने चेस देखा होगा, चेस में क्या होता है, अगर मैं हाथी की बात करूँ, एलिफेंट की, तो वो ऐसे सीधी चाल चलता है, वैसे ही जो आप क्रॉस कर रहे हो वो एकदम स्ट्रेट कर रहे हो। क्लियर? तो A2 के कॉरस्पॉन्डिंग बच कौन कौन से एलिमेंट गए, B1, C1, B3, C3। तो यहाँ B1, C1, B3, C3 का डिटर्मिनेंट हमें कर लेना है। अब बात करते हैं A3 की। तो A3 भी आपके हाथी की चाल चलेगा, तो इधर कैंसिल, बच क्या गया आपका, B1, C1, B2, C2। तो यहाँ B1, C1, B2, C2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग, A3 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इस डिटर्मिनेंट को आपको ओपन करना आता है, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट ये बन गया B2, C3 माइनस C2, B3। यहाँ आप देखेंगे B1, C3 माइनस B3, C1। क्लियर है? तो ये आपका दिख गया होगा B1 C3 माइनस B3 C1, और इस वाले पोर्शन में आप देखोगे तो B1 C2 माइनस B2 C1। तो आपको 3 × 3 डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन कर रहे हैं ये अब क्लियर हो चुका है। तो एक एग्जांपल भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, और इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। तो आप देखेंगे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ओपन किया, तो कैंसिल, बच गया 6, 7, 9, 1। फिर आप देखोगे नेक्स्ट पोर्शन में 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हम कर रहे हैं, तो ये कैंसिल, बच गया आपका 5, 7, 8, 1। फिर लास्ट में आपका कौन सा पोर्शन बचता है, 4।
तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये कैंसिल ये कैंसिल, बच गया आपका 5, 6, 8, 9. सो दिस विल बी योर ओपनिंग ऑफ 3×3 डिटरमिनेंट. तो आज के लेक्चर में मेरा मोटिव ये था दैट मैं आपको बेसिक फंडे समझा सकूं, और बेसिक फंडे समझने के बाद अब आपको ये क्लियर होता जाएगा दैट आखिर हम इसे कर कैसे रहे हैं. ओके तो यहाँ पे मैं आज के क्लास के जो बेसिकली कंटेंट है वो एंड होता है. कुछ इंपॉर्टेंट हम बातें कर लेंगे, देन आज के सेशन को एंड करेंगे. तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा. फर्दर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स का यूज़ करें. और मैं आपको बता दूं दैट ये जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, इसी को फॉलो करते हुए हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं. क्लियर? अब हर पार्ट में थ्योरी, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरी उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और एंड में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जिससे आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ टॉप क्वेश्चंस. क्लियर? तो आप क्या करना, अब आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे जो लेक्चर्स मिलते जाएंगे आपको सर्टेन इंटरवल पे, कुछ ही दिन में आपको बेसिकली शेड्यूल मिल जाएगा सर की ओर से दैट मैथ्स की क्लास कब आएगी, फिजिक्स की क्लास कब आएगी एंड बाकी क्लासेस कब आएंगी. तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, जिस टाइम पे क्लासेस होंगी लेसन को करो. और कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, या फर्दर हमारे ग्रुप्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं. ओके और आप सर को जरूर से जरूर अनअकैडमी पे जाके सर्च करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मैजिकल एजुकेशन को. साथ में आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से जरूर चेक करें, क्योंकि वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन्स गिवन होती हैं, लाइक आप कहाँ से नोट्स ले सकते हैं, कौन से चैनल को आप सब्सक्राइब करके कितनी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, अनअकैडमी पे कैसे लेसन्स देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें. तो लेक्चर के बाद इन पार्ट्स पे भी जरूर फोकस करें. क्लियर? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.